नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं सचिन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मदरसे एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आगे के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहला फॉर्मूला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 180 माइनस वाले फलन कैसे चेंज होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फलन चेंज करते हुए हमें मात्र तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हम किस क्वाड्रेंट में हैं, यानी किस चतुर्थांश में हम स्थित हैं। दूसरी बात, उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। और तीसरी बात कि अगर 90 और 270 वाले फलन हैं तो वो चेंज हो जाएंगे अपने पड़ोसी से, और अगर 180 और 360 वाले फलन हैं तो उनमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। 180 माइनस थीटा, मैं देखूंगा कि ये जो सीधी लाइन है ये हमारी 180 की है, यानी अभी अगर मैं इस बाउंड्री पे खड़ा हूँ तो ये कोण हमारा 180 का है। अगर इस 180 से मैं -1, -2, -3 कुछ भी कम हो जाता हूँ या माइनस थीटा, तो मैं दोबारा किस चतुर्थांश में लौटे आऊँगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में। तो 180 माइनस थीटा यानी हम किस चतुर्थांश में होंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो पहली बात हमें समझ में आई, हम किस चतुर्थांश में हैं, दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव, तो साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव। तो साइन वाला पॉजिटिव और कोसेक वाला पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होंगी। अब तीसरी और लास्ट बात कि 90-270 वाले चेंज होंगे, 90-270 है नहीं, नो चेंज। 180-360 वाले फलन हैं ये, तो ये नो चेंज, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा होगा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा होगा माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 माइनस थीटा होगा प्लस कोसेक थीटा। साइन और कोसेक में प्लस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 वाला फलन बदलता नहीं है, तो साइन का साइन रहा, टेन का टेन रहा, सेक का सेक रहा। तो ये आपका हो गया 180 माइनस थीटा वाले फलन। अगला फलन है जैसे हमारा 180 प्लस थीटा वाले फलन। मैं इस बाउंड्री पे था तो यहाँ पर मेरा कोण था 180 डिग्री। अगर मैं कुछ आगे बढ़े आऊँ तो यानी 180 प्लस थीटा, यानी मैं किस क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और टेन का पड़ोसी यानी कॉट, ये आपस में कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और बाकी सब कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव चिन्ह लगा दिया। अब लास्ट बात, 180 और 360 वाले फलन नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का माइनस कोसेक थीटा। टेन और कॉट तीसरे क्वाड्रेंट में थे, यानी 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट, तो इन दोनों में प्लस का चिन्ह रहा, बाकी सब में माइनस का चिन्ह रहा। तो ये मात्र चार बेसिक फलन हमें सिर्फ ध्यान रखने हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इनकी सहायता से हम फलन एक्सचेंज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल की तरफ। चलिए, तो हम वैल्यू चार्ट को समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू चार्ट को। फलन लिख लिया हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। और वैल्यू जो थीटा का मान होगा 0, 30, 45, 60 और 90। ये बेसिक टेबल है जो हमें याद होनी चाहिए। अब इस टेबल को, वैसे तो आपको वैल्यू डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि वैल्यू कैसे आएगी इसकी। तो सबसे पहले जीरो वाला पद है, तो हमने जीरो से गिनती स्टार्ट की, 0, 1, 2, 3, 4। अब जो इन सब में बड़ी संख्या है 4, उन सब का प्रत्येक पद में हमने भाग कर दिया और तत्पश्चात उसका हमने स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लिया। अब देखते हैं, जीरो में अगर किसी संख्या का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है,
कि अगर जीरो बट्टे संख्या है तो आपका आंसर आएगा जीरो, लेकिन अगर संख्या बट्टे जीरो है आपका तो आपका आंसर आएगा अनंत। लेकिन वास्तव में कोई अनंत संख्या नहीं है, हमारी एक इमेजिनरी काल्पनिक परिकल्पना है। वास्तव में ये होता है अपरिभाषित यानी इनडिटरमिनेट, इसका हम आंसर इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते कितना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर अनंत और अपरिभाषित दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप अपरिभाषित पर टिक करेंगे, क्योंकि SSC आपका अपरिभाषित को ज़्यादा वरीयता देता है। तो जीरो बट्टे संख्या जीरो, और जीरो का वर्गमूल क्या आएगा, जीरो, एक का वर्गमूल एक और चार का वर्गमूल दो, दो एकम दो, दो दुनी चार, एक का वर्गमूल रहेगा एक और दो का वर्गमूल रूट दो, तीन का वर्गमूल रूट तीन और दो का वर्ग चार का वर्गमूल दो, चार एकम चार, एक का वर्गमूल एक, यानी कि साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस का मान एक बट्टे दो, साइन पैंतालीस का एक बट्टे रूट दो, साइन साठ का रूट तीन बट्टे दो और साइन नब्बे का एक। अब दोस्तों कॉस क्या होता है, साइन का पड़ोसी, यानी कि जहाँ से साइन का घर समाप्त हुआ, यानी जहाँ से हमारा घर समाप्त हुआ वहीं से तो हमारे पड़ोसी का घर शुरू होता है, वही तो हमारा पड़ोसी है। तो साइन का घर कहाँ से समाप्त हुआ, एक से, तो कॉस का घर कहाँ से प्रारंभ होगा, एक से, यानी जहाँ से खत्म वहीं से शुरू। तो साइन कॉस जीरो का मान होगा एक, कॉस 30 का मान होगा रूट तीन बटे दो, कॉस 45 का मान एक बटे रूट दो, कॉस 60 का मान एक बटे दो और कॉस 90 का मान जीरो। ठीक है, अब टेन, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन जीरो में अगर कॉस जीरो का भाग दे दूंगा तो टेन जीरो का मान आ जाएगा। तो जीरो में एक का भाग देंगे क्या रहेगा, जीरो, एक बट्टे दो में रूट तीन बट्टे दो का भाग देंगे तो दो से दो कट आएगा, टेन तीस का मान आएगा एक बट्टे रूट तीन, एक बट्टे रूट दो में एक बट्टे रूट दो का भाग देंगे कट आएगा टेन पैंतालीस का मान एक, रूट तीन बट्टे दो में एक बट्टे दो का भाग तो दो से दो कट आएगा टेन साठ का मान रूट तीन, और एक में जब जीरो का भाग देंगे यानी संख्या बट्टे जीरो अनंत, लेकिन वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री में कोई अनंत आंसर नहीं होता, हम आंसर किस पर टिक करेंगे, अपर भाषित पर। अगला कॉट, अब कॉट किसका पड़ोसी है, टेन का, तो पड़ोसी कहाँ, यानी जहाँ से घर आपका ख़त्म वहीं से पड़ोसी का शुरू, तो जहाँ से टेन का घर ख़त्म वहीं से कॉट का घर चालू, यानी कॉट जीरो का मान अनंत यानी अपरिभाषित, कॉट तीस का मान रूट तीन, कॉट पैंतालीस का मान एक, कॉट साठ का मान एक बट्टे रूट तीन और कॉट नब्बे का मान जीरो। अब सेक और कोसेक, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट उल्टा, और उसी प्रकार कोसेक होता है साइन का अपोजिट यानी वन अपॉन साइन थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का अपोजिट यानी वन का उल्टा वन, रूट तीन बट्टे दो का उल्टा दो बट्टे रूट तीन, एक बट्टे रूट दो का उल्टा रूट दो, एक बट्टे दो का उल्टा दो और जीरो का उल्टा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं बट्टे वन मान सकता हूँ, संख्या संख्या बट्टे जीरो तो क्या बनेगा अनंत, यानी यहाँ पर अनंत यानी अपरिभाषित। अब इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होगा अनंत यानी अपरिभाषित, या फिर हम कह सकते हैं कोसेक क्या है, सेक का पड़ोसी, तो जहाँ से सेक का घर समाप्त हुआ वहीं से कोसेक का घर उल्टी डायरेक्शन में शुरू होगा। तो अनंत अपरिभाषित दो रूट दो, दो बट्टे रूट तीन और एक। तो ये हमारी बेसिक टेबल हो गई जो हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगर मैं साइन कॉस टेन इन तीनों के मान ज्ञात कर लूँगा तो कॉट सेक और कोसेक के मान मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। तो टेबल आपको समझ में आई होगी, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस वैल्यू टेबल से हमने एक बात देखी कि साइन 30 का मान क्या था, एक बट्टे दो, और उसी प्रकार कॉस 60 का मान भी क्या था हमारा, एक बट्टे दो। अगला टेन जीरो का मान आपका क्या था, जीरो, और कॉट 90 का मान भी क्या था आपका, जीरो। इसी प्रकार सेक
तीस का मान था आपका 2/√3, तो उसी प्रकार कोसेक 60 का मान था आपका 2/√3। यानी कि अगर इनको इस कोण को ए मान लूँ, इस कोण को बी, इस कोण को ए बी, ये कोण ए बी, तो आप यहाँ से एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 90 0 90, 60 30 90, 30 60 90। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूँ कि अगर किन्हीं दो कोण यानी ए और बी का योग 90 है, तो पड़ोसी फलन यानी साइन और कॉस आपस में कैसे हैं, पड़ोसी फलन, टेन और कॉट आपस में पड़ोसी हैं, सेक और कोसेक आपस में पड़ोसी हैं, तो साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस बी, यानी साइन ए बराबर कॉस बी, इसी प्रकार टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी, या फिर अगर मैं इसका अपोजिट कहूँ, जैसे कि अगर पड़ोसी फलन यानी साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी, यानी पड़ोसी फलन अगर इनके मान आपस में बराबर हैं या समान हैं, तो उनके कोणों का योग सदैव कितना होगा, 0 90 90 30 60 90 60 30 90। तो अगर पड़ोसी फलन समान है तो इनके कोणों का योग यानी a प्लस बी बराबर 90, ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर दो कोणों का योग 90 है तो पड़ोसी फलन आपस में इक्वल होंगे, या फिर दो पड़ोसी फलन आपस में इक्वल हैं तो उनके कोणों का योग क्या होगा, 90। अब इसी में से हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है यदि दो कोणों का योग 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, ये मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार टेन ए बराबर कॉट बी और इसी प्रकार सेक ए बराबर कोसेक बी। तो यानी अगर मैं इस कॉस बी को लिखना चाहूँ तो इसे 1/sec भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू भाग में इधर आएगी गुणा में, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। इसी प्रकार कॉट बी को लिखना चाहूँ तो मैं 1/tan भी लिख सकता हूँ, ये वैल्यू भाग में इधर आएगी गुणा में, तो टेन ए इंटू टेन बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार कोसेक बी को लिखना चाहूँ तो 1/sin भी लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा गुणा में, तो साइन ए साइन बी इंटू सेक ए बराबर क्या होगा, 1। यानी कि अगर किन्हीं दो कोणों का योग ए प्लस बी का मान 90 है तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होगा और साइन बी इंटू सेक ए बराबर 1 होगा। या फिर इसका हम अपोजिट कह सकते हैं, अगर कहीं टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 दिया है तो उनके कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 दिया है तो उनके कोणों का योग क्या होगा, 90। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए अब हम कुछ डायरेक्ट सर्वसमकाय हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उन्हें हम याद करेंगे। जैसे पहली सर्वसमकाय हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्वसमकाय है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी और लास्ट सर्वसमकाय है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला कुछ फॉर्मूले जो हमें बेसिक रूप में याद होने चाहिए, जैसे साइन 2 थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगला है कॉस 2 थीटा, इसके तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगला फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा
ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट लगभग लगभग हमने समाप्त कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।